पहाड़ों की रानी के आंचल में परियों की डरावनी दास्तान। जंगली पहाड़ी पर परियों का गांव, जिस पर अंग्रेजों ने डाली थी बुरी नजर। अंग्रेजों की एक करतूत से पहाड़ी पर लग गया सबसे बड़ा अभिशाप। पहाड़ी की दुश्मन बनी आसमानी बिजली। उस रात क्या हुआ था? वीरान व्यावान में पथरीला रास्ता, इस पर गए तो बिजली गिरेगी। उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी, जिसे पूरी दुनिया में पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। मसूरी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ की सुंदर वादियां, हरी भरी पहाड़ियां पर्यटकों को अपनी ओर खींचती आई हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मसूरी में एक ऐसी भी पहाड़ी है जहां रात तो छोड़िए, दिन की रोशनी में भी कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस पहाड़ी पर एक खौफ बसता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। तो मसूरी की यह पहाड़ी जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। कहते हैं यहां पर परियां रहती हैं। जी हां, मगर परियों वाली एक पहाड़ी कैसे डर का पर्याय बन गई, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास। वीरान व्याबान में सुनसान रास्ता, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ डरावनी पहाड़ी। ये वो जंगल है जहां डर का डेरा, जहां कदम कदम पर खौफ बसता है। आपने परियों की कहानी तो खूब सुनी होगी। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं परियों के गांव में, जहां आज भी परियां रहती हैं। लेकिन परियों वाली इस पहाड़ी का सच बेहद डरावना है, क्योंकि ये खूबसूरत पहाड़ी अब प्रेत आत्माओं का गढ़ बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं मसूरी के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुके परी टिब्बा की। परी टिब्बा मसूरी के प्रसिद्ध वुडस्टॉक स्कूल के दक्षिण में एक जंगली पहाड़ी है, जो देहरादून मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसूरी की इस पहाड़ी पर ऐसा क्या हुआ था कि परियों वाली पहाड़ी को अभिशाप लग गया? परी टिब्बा के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित इस रहस्यमयी पहाड़ी पर पहुंचे। परी टिब्बा की इस पहाड़ी पर क्यों लगता है डर, जानिए रजनीश दीक्षित से। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ एक ओर बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की पवित्र चार धाम यात्रा चलती है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों को रोमांच से भर देती है। लेकिन इसी मसूरी के पास एक और ऐसी पहाड़ी है जहां जाने से लोग डरते हैं, उसको अभिशप्त पहाड़ी कहा जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पहाड़ी पर और जानेंगे क्या है परी टिब्बा का रहस्य। दुर्गम रास्तों का लंबा सफर तय करने के बाद हमारी टीम उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां से परी टिब्बा पहाड़ी का सफर शुरू होता है। सबसे पहले हमें यहां एक पथरीला रास्ता दिखाई दिया। इसी रास्ते से होकर हमें उस रहस्यमयी परियों वाली पहाड़ी तक पहुंचना था। पथरीले रास्तों को पार करना आसान नहीं था, इसलिए हमारी टीम संभल संभल कर आगे बढ़ती रही। हमारी टीम रास्ते से होकर आगे बढ़ी तो हमें यहाँ एक मंदिर भी दिखाई दिया। संवाददाता रजनीश दीक्षित ने इस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश की। परी टिब्बा के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमने तय की है पूरा 1.5 किलोमीटर का जो सफर है, जहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये जो रास्ता है जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से पत्थर पड़े हुए हैं और आवागमन का कोई भी रास्ता नहीं है। दुर्गम रास्तों को हमारी रहस्यम की टीम ने यहाँ तक कवर अप करते हुए हम लोग आप तक पहुँचे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की सूरत हाल। ये परी टिब्बा की वो सुनसान पहाड़ी है जहाँ सन्नाटा साए साए बीतता है। यहाँ पर निगेटिव वाइब्स, लोगों से बातचीत हुई, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनको रात में और यहाँ पर निगेटिव वाइब्स महसूस होती हैं। इसके अलावा खास बात यह, परी टिब्बा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ परियों का डेरा होता था। आपको बताएं कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो अभिशप्त ये पहाड़ी है,
तो उसको उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एक मंदिर का भी निर्माण कराया गया, लेकिन चूंकि मंदिर में श्रद्धालु नहीं आते हैं जिसकी वजह से ताला पड़ा हुआ है, और ये दुर्गम रास्ते जो आज तक रास्ते नहीं बने हैं यहाँ के, तो यहाँ पे बताते हैं आज भी इस मंदिर के पास में जो ये इलाका है यहाँ पे परियों का डेरा रहता है, रात में परियाँ आकर यहाँ पर नृत्य करती हैं, ऐसा हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि ये उन लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। इसके अलावा यहाँ पर ये मान्यताएं प्रचलित हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, एक एक रहस्य दिखाते हैं क्या है इस परी टिब्बा का रहस्य। परी टिब्बा का इतिहास अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज मसूरी शहर बसा रहे थे तो उनकी नजर इस खूबसूरत पहाड़ी पर भी पड़ी। अब ये कोई आम पहाड़ी तो थी नहीं, ये वो पहाड़ी थी जहां परियां रहा करती थी। अंग्रेज इस बात से पूरी तरह अनजान थे, उन्होंने पहाड़ी पर घर बनाने की, उस पहाड़ी को बसाने की भरपूर कोशिशें की। अंग्रेज पहाड़ पर मकान बनाते और अचानक कुछ ऐसा होता कि मकान धराशायी हो जाते। लोगों के मुताबिक ये परियां ही थीं जो उन मकानों को धराशायी कर देती थीं। ऐसा बार बार हो रहा था। आखिर में थक हार कर अंग्रेजों ने इस पहाड़ी पर बसने का इरादा ही छोड़ दिया और पहाड़ी को श्रापित घोषित कर दिया। तभी से इस पहाड़ी को परी टिब्बा के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजों ने तो पहाड़ी पर रहने का इरादा छोड़ दिया था, लेकिन उनके बार बार आने से पहाड़ी पर अभिशाप लग चुका था। एक ऐसा अभिशाप जिसने इस पहाड़ी को नकारात्मक शक्तियों का गढ़ बना दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि अंग्रेजों की इस करतूत के बाद ये जगह हॉन्टेड प्लेस बन गई। अब हम लोग पहुंच चुके हैं परी टिब्बा। जी हाँ, देहरादून मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर मसूरी की दूसरी पहाड़ी, उसको परी टिब्बा कहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल ये जो सुनसान इलाका, और ये जगह जगह हमने देखा कि यहाँ पहुँचने में कई जगह पर पेड़ों पे बिजली गिरी थी और उसकी वजह से घास भी जली हुई थी। तो यहाँ जो है बिल्कुल सुनसान, आपको एक अलग ही वाइब्स यहाँ महसूस होंगे। यहाँ नेगेटिविटी की फीलिंग आती है, जैसा कि लोगों से भी बातचीत हुई। हम और लोगों से भी जानेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से, कि जो परी टिब्बा का रहस्य है उसको लेकर आखिर क्या सोचते हैं। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? गीता। गीता जी, परी टिब्बा के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, क्या कहानी आप लोग बतौर स्थानीय यहाँ क्या जानते हैं? हम लोग तो यही जानते हैं, पहले जैसे हमने माँ बाप से सुना है कि अंग्रेज लोग यहाँ कोठियां बनाने चाह रहे थे अंग्रेजों के टाइम पे ना, लेकिन वो उन्होंने जैसे रात दिन में वो काम करते थे, रात को जो परियां थी वो तोड़ देते थे, इसीलिए इसका नाम परी टिब्बा। इसीलिए परी टिब्बा नाम। अच्छा, दूसरी बात कि आप लोग यहाँ कभी कुछ महसूस किया आपने? नहीं, अच्छी जगह है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये कितनी पुरानी कहानी है जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते हैं? अंग्रेजों के टाइम का सुना कि अंग्रेज लोग यहाँ आना चाह रहे थे पर आए नहीं, वो लोग आए नहीं। अच्छा, जो मतलब उन्होंने अपना बना नहीं पाए वो ना। अच्छा, यहाँ निर्माण नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, इसकी क्या वजह बताते हैं लोग? परियों की वजह। परियों की? हाँ जी, क्योंकि वो मीट मच्छी सब खाते हैं तो वो इसलिए नहीं। अधिकतर हमने सुना है। अच्छा, आपने क्या सुना? अधिकतर सुना है कि जब रात का समय होता है तो तब परियों का उधर जो है वर्स टाइप का चलता है, उनका वो चलता है कि अगर कोई भी रात के समय जाता है तो उन्हें फील होता है कि हाँ इधर कुछ है, देवी देवता है, ये मान्यता है। तो शाम के टाइम पे अगर कोई भी उधर जाओ तो उन्हें महसूस होता है कि वाकई में है कुछ। अच्छा, निगेटिव मतलब एक फीलिंग आती है, नेगेटिविटी आती है, ये हमने सुना है इधर। अच्छा, महसूस भी किया? महसूस भी किया है, हमारे साथ के जो भी दोस्त हैं बोलते हैं कि हम अगर उधर जाते तो रात को उधर ऐसा लगता है कि जैसे खतरे की तरह जाना है, उनका वश चलता है, उनका वश चलता है। आपने मैडम ऐसा बोलते थे पुराने लोग ना कि इसीलिए वहाँ अंग्रेज बस नहीं पाए कि क्योंकि वो सब कुछ खाते हैं, इसलिए पुराने लोग बोलते हैं। धन्यवाद। तो हम आपको बताएं कि ये जो रास्ता है ये सीधे हम लोग परी टिब्बा पे मौजूद हैं, और जो हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की उनका साफ तौर पर कहना है कि ये परियों की वजह से इसका नाम परी टिब्बा पड़ा। चूंकि आपको भी मालूम है कि मसूरी हो, जितने भी हिल स्टेशंस हैं, ये ब्रितानिया हुकूमत में अंग्रेज अफसरों ने बसाए थे, लेकिन एक ऐसी पहाड़ी जो मसूरी की दूसरी ओर है वो अभिशप्त रही। अभिशप्त रहने की जो वजह है वो आपने स्थानीय लोगों से जाना, जो एक रहस्य था कि आखिर परी टिब्बा का नाम परी टिब्बा क्यों पड़ा, इसके अलावा ये क्यों आज तक बस नहीं पाई। तो इसके पीछे जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, जो अपनी पीढ़ियों से कहानी सुनते चले आ रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पर परियों का डेरा रहता है, रात में उनको कुछ महसूस होता है, निगेटिविटी महसूस होती है, और परियां उस निर्माण को तोड़ देती थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इसको अभिशप्त पहाड़ी घोषित करके छोड़ दिया।
हम परीटिब्बा की पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। यहाँ चारों ओर नकारात्मक शक्तियां हमें महसूस हो रही थी, लेकिन हम रहस्यों की तह तक जाना चाहते थे, इसलिए और आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें कुछ छात्राएं नजर आईं। हमने छात्राओं से बात कर परीटिब्बा का सच जानने की कोशिश की। छात्राओं ने परीटिब्बा के रहस्यों के बारे में जो बातें बताई, उन्हें सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। परीटिब्बा के रहस्यों से पर्दा उठा रही है रहस्यम की टीम। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे यहाँ के स्थानीय हैं। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, परीटिब्बा के बारे में क्या सुनती हैं, क्या कुछ कहानियां हैं, जरा बताइए। बताया जाता है कि यहाँ पे परियां रहती हैं, कि वो यहाँ पे निवास करती हैं। काफी लोगों ने यहाँ पे रिसर्च भी किया है, काफी साइंटिस्ट वगैरह ने यहाँ पे रिसर्च किया है कि हाँ यहाँ पे हैं। उन्होंने पाया है कि यहाँ पे हैं और वो इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ पे रहती हैं, कि ये कोई बोलने की बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। हम मान सकते हैं कि यहाँ पे रहती हैं और कभी आती भी हैं, क्योंकि इससे वहाँ ऊपर ऐसी चीज़ों को बताया गया और महसूस किया गया है कि कैसे यहाँ पे आती हैं, कैसे नहीं, और क्या है, कैसे उनकी पूजा करते हैं और क्या उनके बारे में पता है, और ये बहुत प्राचीन परियां हैं। अच्छा बेटा, बिजली गिरने के बारे में भी सुनते हैं, बिजलियां गिरती हैं पहाड़ी पे? हाँ जी, कभी कभी मतलब जब परियों का या तो वो आती हैं या फिर वो जाती हैं, उनके बारे में बताते कि बिजली गिरती है, और बताया जाता है कि कभी कभी मतलब वो ऐसा होता है उन पहाड़ों में ऊपर कि वो आती हैं और कुछ महसूस करते हैं यहाँ के लोग। हमने भी महसूस किया है कि कभी कभी पहाड़ों पे ऐसी दुर्घटनाएं होती है कि हाँ कोई आया है ऊपर पहाड़ों में, मंदिर में, उनके मंदिर है वहाँ पे, उनका झूला है, वो कैसे करता है कि हिलता है, उनके बारे में काफी चीजें बताता है कि हाँ है यहाँ पर। यहाँ बेटा, आप लोग यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, आसपास जाते हैं, डर नहीं लगता? क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, डर नहीं लगता। क्या सुना आपने यहाँ परियां रहती है? यहाँ परियां रहती है, इसलिए ऐसी पहले भी लोग बोलते थे कि परियां रहती है ऊपर, शायद मंदिर भी उनका परीटिब्बे से जानते थे। तो देखा आपने कि ये वो छात्र है जो यहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ गांव पड़ता है, परीटिब्बा से नीचे जाकर वो गांव पड़ता है, वहाँ के छात्र हैं, छात्राएं हैं। इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि इनके पूर्वजों से लोग आज भी कहानी सुनते आए हैं और खुद भी इन्होंने देखा है, महसूस किया है कि यहाँ परियों का जमा हुआ रहता है। परीटिब्बा की इस पहाड़ी में कई और भी गहरे राज दबे हैं। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस पहाड़ी पर आए दिन आकाशीय बिजली गिरती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ किसी भी पल आसमान से बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से लोग पहाड़ी पर जाने से डरते हैं। लेकिन हमने पहाड़ी के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए ये जोखिम उठाया। श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम परीटिब्बा का सच जानने के लिए आगे बढ़ रही थी। रास्ते में हमें कई जले हुए पेड़ दिखाई दिए। हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ के आसपास घास भी जलकर काली पड़ चुकी है। इस पूरे परीटिब्बा पर आए दिन बिजली जब कड़कती है तो जरूर गिरती है, जिसकी वानगी हमें रास्ते में देखने को मिली कि कई पेड़, हरे भरे पेड़ों के बीच में एक पेड़ मेरे ठीक पीछे भी आप देखेंगे पूरी तरीके से सूख चुका है। तो कहीं पर हमको दिखाई दिया कि घास पूरी तरह से काली हो चुकी है, तो बिजली गिरने के कई जगह पर प्रमाणिक तस्वीरें हमको इस पूरे परीटिब्बा में आने में दिखी हैं। आपको जगह जगह परीटिब्बा की इस पहाड़ी पर दिख जाएगा कि बिजली गिरती है, और बिजली का ये वो प्रमाणिक तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हरा भरा पेड़ आप ठीक मेरे पड़ोस में देख रहे हैं, इसके पड़ोस में देखिए ये पूरी तरीके से सूखा हुआ पेड़ है। कई जगह पर यहाँ पर दिखा कि घास पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है, कई जगह पर बिजली गिरने के तस्वीरें यहाँ नजर आती हैं। तो इस परीटिब्बा के रहस्यों की कहानी में एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर आए दिन बिजली गिरती है, जिसकी वजह से इसको अभिशप्त पहाड़ी कहा जाता है। तो परियों वाली इस पहाड़ी पर अभिशाप लगा और आसमानी बिजली पहाड़ी की दुश्मन हो गई। पहाड़ी पर आए दिन बिजली गिरती रहती थी। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये परियां ही थीं जो लोगों को यहां से दूर रखने के लिए बिजली का कहर लेकर आती थी। कुछ वक्त पहले तक कुछ पर्यटक इस पहाड़ी पर घूमने आ भी जाया करते थे, लेकिन एक घटना ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। बताते हैं कि एक प्रेमी जोड़ा इस खूबसूरत पहाड़ी पर घूमने आया था, तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी।
मौसम बिगड़ रहा था और ये प्रेमी जोड़ा पहाड़ी से निकलने की तैयारी कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही प्रेमी जोड़े के ऊपर अचानक आसमान से बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर ये प्रेमी प्रेमिका बुरी तरह झुलस गए और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। आकाशीय बिजली गिरने से प्रेमी जोड़े की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ये जगह है प्रेत आत्माओं का गढ़ बन गई। कहा जाता है कि ये प्रेमी जोड़ा आज भी भूत बनकर परी डिब्बा की पहाड़ी पर घूम रहा है। लोग बताते हैं कि पहाड़ी पर दिन ढलने के बाद उन्हें अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। पहाड़ पर हलचल होती है, जो इन लोगों ने कई बार महसूस किया है। स्थानीय लोगों में खौफ इस कदर है कि वो इस पथरीले रास्ते से आगे कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचते हैं। परी डिब्बा का एक रहस्य और है। बताते हैं कि एक प्रेमी युगल यहाँ पर आया था तो उसके ऊपर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। उसके बाद से बताया जाता है कि उन दोनों की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। जैसे जैसे हम परी डिब्बा की पहाड़ी पर आगे बढ़ रहे थे, परत दर परत कई राज भी हमारे कैमरे पर खुल रहे थे। हमने बिजली से जले हुए पेड़ देखे, पहाड़ों पर जली हुई घास और पथरीले रास्ते हमारे कैमरे में कैद हुए, और परियों की कहानी का पूरा सच श्रेष्ठ उत्तराखंड के कैमरे पर खुलकर सामने आ गया। परी डिब्बा के हैरान कर देने वाले रहस्यों से हमने परत दर परत पर्दा हटाया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी परियों का डेरा है, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर अभिशप्त पहाड़ी है, जिसकी वजह से आसमानों में जब भी बिजली कौंधती है तो इस पहाड़ी पर जरूर गिरती है। अंधविश्वास बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन ये परी डिब्बा आज भी ना सिर्फ अभिशप्त है बल्कि लोग यहाँ आने से सहमते हैं। हकीकत यही है कि परी डिब्बा की पहाड़ी पर गहरा अभिशाप लगा है, जिसकी वजह से ये पहाड़ी वीरान और सुनसान पड़ी है। आसमान से बिजली गिरना सामान्य बात होती है, लेकिन अगर एक ही जगह पर बार बार लगातार बिजली गिरने लगे तो समझ जाइए ये अपशकुन और अभिशाप है। तो मसूरी की परियों वाली पहाड़ी अपने इसी अभिशाप के लिए अब बदनाम हो चुकी है, यूं कहें कि लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा कर चुकी है। अंग्रेजों ने भी परियों का गांव उजाड़ कर पहाड़ी पर बस्ती बसाने का पाप किया था, जिसका श्राप ये पहाड़ी आज भी भुगत रही है। और यही वजह है कि परी डिब्बा की इस पहाड़ी पर जाना जान जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि कब आसमान से बिजली मौत बनकर आप पर गिर जाएगी कोई नहीं जानता। स्थानीय लोगों का मानना है कि वो परियां पहाड़ी की हिफाजत के लिए आज भी यहां आती हैं। मतलब जिसने भी परी डिब्बा की पहाड़ी पर बुरी नजर डाली उसकी खैर नहीं। तो रहस्यम की स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। रहस्य और रोमांच से भरी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, पहाड़ों की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।